तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पी एल नरेडा एंड आई विल टीच यू टुडे विक्टोरियन एज। जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो विक्टोरियन एज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में और यह वीडियो आज आपको विक्टोरियन एज से संबंधित पूछे गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सक्षम बनाएगा। द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज की शुरुआत जो है 1837 से 1901 के बीच मानी जाती है। विक्टोरियन एज मतलब महारानी विक्टोरिया का कार्यकाल। जब इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया शासन काल में आई तो उसने लिटरेचर में भी बहुत सारे परिवर्तन किए। उन परिवर्तनों के बारे में आज यहाँ हम अध्ययन करने जाने वाले हैं। द विक्टोरियन एज इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के इतिहास में विक्टोरियन काल बहुत ही रिमार्केबल है, अविस्मरणीय जिसको हम कहते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द विक्टोरियन एरा बिगैन इन नाइनटीन हंड्रेड वन। अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो विक्टोरियन एज की शुरुआत 1837 में हुई थी, जब महारानी विक्टोरिया ने शासन संभाला था, और उसी की डेथ 1901 में जब हुई तो उसी के साथ इसका एंड हो गया। लेकिन एंड रफली फ्रॉम नेपोलिक वॉर्स अंटिल द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट इन 1914। अगर हम थोड़ा सा लूजली बात करें, रफली से मतलब यहाँ थोड़ा सा लूज तरीके से है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया के एंड के साथ ही उसका विक्टोरियन काल का एंड माना जाता है। लेकिन फिर भी लिटरेचर पे उसका प्रभाव 1914 तक रहा। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 में हुआ था तो वहाँ तक इसका प्रभाव रहा, और इसकी शुरुआत नेपोलिक वॉर से हो गई थी। नेपोलिक वॉर जो था उस समय से वर्ल्ड वार फर्स्ट तक विक्टोरियन एज को हम रफली मान सकते हैं, और स्ट्रिक्टली अगर हम मानेंगे तो 1837 से 1901 तक मानेंगे। इट वॉज एन इरा ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यह पीस और प्रॉस्पेरिटी का एरा था, युग, ये शांति और समृद्धि का युग था। विक्टोरियन एज जो था शांति और समृद्धि का युग था। देर वर सेवरल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग दिस एज, दिस पीरियड, इस युग के दौरान वहां पे बहुत सारे परिवर्तन हुए। देर वॉज अ ग्रेट इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस इन द विक्टोरियन एज। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक और साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक प्रोग्रेस भी इस काल में हुई। बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक प्रोग्रेस देर वॉज रिलीजियस अनसर्टेनिटी। जब विज्ञान बढ़ता है तो धर्म घटता है, ये हम जानते हैं, और जब इस काल में वैज्ञानिक प्रोग्रेस हुई तो धार्मिक अनसर्टेनिटी हो गई, अनिश्चितता हो गई, लोगों का विश्वास धर्म से उठ गया। देर वॉज ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, और इसीलिए फिर लिटरेचर का भी बहुत विकास हुआ। लोगों ने धर्म के नाम पे कविताएं लिखना स्टार्ट किया, धर्म की जो विद्रूपताएं थी, धर्म के जो आडंबर थे, उनके बारे में कवियों ने कविताएं लिखना स्टार्ट किया। सेवरल इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स वर रिटन इन पोइट्री प्रोज एंड फिक्शन। गद्दे में, पद्य में, पोइट्री मतलब पद्य में, प्रोज मतलब गद्य में, और फिक्शन मतलब कल्पना या काल्पनिक कहानियों में या उपन्यास में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया।
The इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन took प्लेस एट दिस एज. इस युग में औद्योगिक क्रांति भी घटित हुई. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हुई. द रूरल इकोनॉमी ऑफ द इंग्लैंड वॉज चेंज इन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. रूरल में बदल गई. ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल गई. दिस क्रिएटेड सोशल अनरेस्ट एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस अमंग द पीपल. हम जानते हैं जब औद्योगिकरण होता है तो वो बेचैनी बढ़ाता है. लोगों की पैसा कमाने की होड़ मची रहती है. जब औद्योगिकरण हुआ, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, तो इसने लोगों की डिस्ट्रेस को बढ़ाया, लोगों की जो परेशानी थी उसको बढ़ाया. अमंग द पीपल, लोगों में निराशा की भावना भी पैदा हुई. देयर वॉज ए स्पेशल क्लास ऑफ पीपल हु वर रूलिंग इन मनी. औद्योगिकरण से उन लोगों को ज्यादा फायदा होता है जिनके पास पैसा होता है. तो देयर वॉज ए स्पेशल क्लास, लोगों की एक क्लास थी और जो थी रूलिंग क्लास, जो मनी को रूल कर रही थी, उनके पास पैसा बढ़ता जा रहा था. सेवरल फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड ए लाइफ ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी व्हाइल द फैक्ट्री एंड मिल ओनर्स बिकेम रिचर एंड रिचर. फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे वो अत्यधिक गरीबी की जिंदगी झेल रहे थे, जबकि जो फैक्ट्री के जो मालिक थे वो बड़े आदमी होते जा रहे थे, रिचर एंड रिचर होते जा रहे थे. There was no economic equality among the people. लोगों के बीच में economic equality नहीं थी, आर्थिक समानता नहीं थी. The condition of the laborers, miners, debtors and prisoners was very bad. मजदूरों की, लेबर्स, मजदूरों की, माइनर्स, खान में काम करने वाले, डेप्टर, ऋण वाले लोग, प्रिजनर, कैदी, इनकी स्थिति बदतर होती जा रही थी. द पार्लियामेंट बिकम्स मोर पावरफुल देन द किंग. पार्लियामेंट बिकेम मोर पावरफुल. पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, ज्यादा पावरफुल हो गई थी देन द किंग, राजा से. द किंग एंड द रॉयल अदर रॉयल पर्सन्स लॉस्ट ऑल देयर पावर्स. राजा और दूसरे जो रॉयल व्यक्ति थे उनकी शक्तियां कम होती गई. द मॉसेस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि पार्लियामेंट पावरफुल होती जा रही थी, इसलिए मॉस मतलब भीड़, जनता, वो इंपॉर्टेंट होती जा रही थी. द पीपुल कुड चूज देयर ओन लीडर्स. लोगों के पास अवसर था कि वो अपने लीडर खुद चूज करें, अपने नेता खुद बनाए. देर वॉज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. और शिक्षा के क्षेत्र में भी विक्टोरियन एज में बहुत परिवर्तन हुए. द एजुकेशन एक्ट वॉज पास. विक्टोरियन एज में एजुकेशन एक्ट को भी पास किया. एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का जो अनुच्छेद था वो पास हुआ. द पब्लिक बिकेम इंटरेस्टेड इन रीडिंग. पब्लिक जो है उनकी पढ़ने में रुचि जागने लगी. दिस प्रिपेयर्ड द एटमोस्फियर फॉर पोइट्स, नॉवलिस्ट एंड राइटर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड फीलिंग्स इन लिटरेचर. जब लोगों की रुचि पढ़ने में जागने लगी तो इससे कवि, उपन्यासकार, राइटर्स, उनको मौका मिला अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को लिटरेचर में प्रस्तुत करने का. अर्थात उन्हें तरह तरह की कविताएं, तरह तरह का लिटरेचर उन्होंने लिखा. देर वॉज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन साइंस ऑल्सो. विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ. ऑरिजन ऑफ स्पीसीज,
1859 by Darwin became very popular. विक्टोरियन एज में चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि 1859 में लिखा था, बहुत पॉपुलर हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई. देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस इन दिस फील्ड, इन दिस पीरियड. विक्टोरियन काल के दौरान विज्ञान और साइंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, द्वंद्व हो गया, क्योंकि जब विज्ञान बढ़ता है तो धर्म जो है वो घटता है. देयर वॉज सेवरल रिफॉर्म्स इन द चर्च ऑल्सो. चर्च में भी बहुत सारे सुधार हुए. थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई इस युग में. द पीपुल बिलीव्ड द इन ऑनर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. लोगों का विश्वास ऑनर में, ड्यूटी में और रेस्पॉन्सिबिलिटी में बढ़ने लगा. लोग सम्मान की बात करते थे, ड्यूटी की बात करते थे और जिम्मेदारी की बात करते थे. इन लिटरेचर सेवरल पोइट्स लाइक टेनिसन एंड ब्राउनिंग बिकेम वेरी पॉपुलर. लिटरेचर में विक्टोरियन काल के दौरान टेनिसन और ब्राउनिंग ऐसे कवि हैं जो बहुत प्रसिद्धि कमा रहे थे. टेनिसन और ब्राउनिंग को विक्टोरियन जायंट कहा जाता है. चार्ल्स डिकिंसन एंड द ब्रॉन्टी सिस्टर्स. वर ग्रेट नॉवलिस्ट. ये मुख्य उपन्यासकार हुए हैं विक्टोरियन काल के. प्रोज बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस एज. इस युग में प्रोज जो है बहुत पॉपुलर हो गई है. प्रोज मतलब गद्य साहित्य. विक्टोरियन एज में गद्य साहित्य बहुत पॉपुलर हुआ. लिटरेचर बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. साहित्य को सामाजिक और राजनीतिक सुधार का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया. साहित्य के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सुधार किए गए. द लिटरेचर ऑफ दिस एज वॉज रिलेटेड टू द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंग्लैंड. इस युग का जो लिटरेचर था वो इंग्लैंड की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करता था. द पीपुल became pessimistic during this age. इस युग के जो लोग थे वो pessimistic हो गए, निराशावादी हो गए. मैथ्यू आर्नॉल्ड, जो अपने युग का बहुत बड़ा आलोचक था, उसने लिखा है कि विश्वास रूपी सागर जो पहले फुल भरा हुआ था वो खत्म हो गया. The literature of the Victorian age was concerned with the complexities of human life. मनुष्य के जीवन की जो complexities है, जटिलता है, उनके बारे में Victorian age में खूब लिखा हुआ है. There was a spirit of patriotism in the people. लोगों में देशभक्ति की भावना इस युग के लिटरेचर में मिलती है. Thomas Hardy was another great Victorian novelist. थॉमस हार्डी भी एक महान विक्टोरियन नॉवलिस्ट हुए हैं. अदर राइटर्स वर जॉन स्कॉट, जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल. ये विक्टोरियन एज के कुछ नॉवलिस्ट हुए हैं. सोसाइटी वॉज हायरार्किकल येट देर वॉज मच सोशल एंड जियोग्राफिकल मोबिलिटी. विक्टोरियन एज की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि यद्यपि सोसाइटी हायरार्किकल थी, समाज का बहुत महत्व था, येट देर वॉज मच सोशल एंड जियोग्राफिकल मोबिलिटी. लेकिन फिर भी सामाजिक और भौगोलिक मोबिलिटी खूब मिलती थी. मोबिलिटी मतलब चलन. सामाजिक और भौगोलिक चीजों के बारे में बहुत हलचल थी. तो स्टूडेंट्स, आज हमने विक्टोरियन भी इस चैनल का फायदा ले सके. थैंक यू.